हेलो सलाम नमस्ते सस्त्री अकाल के छो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं विराज एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल साइंस ऑफ व्लॉग्स के ऊपर। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक से एक बढ़िया से बढ़िया। मैं आया हूँ प्रदीप भाई के पास। प्रदीप भाई आपके पास क्या क्या चीजें मिलता है जरा बताओ एक बार मेरे व्यूअर्स को। हेलो भाई आपकी तरफ आ जाओ जी। पर दोस्तों मैं मिलवाता हूँ एक बार आपको यहाँ के ओनर से। हेलो भाई कैसे हैं आप? ये प्रदीप भाई है। भाई जरा बताओ आपके पास क्या क्या चीजें मिलने वाली है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ी सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 3K के ओके आपके स्टूडियो इक्विपमेंट्स सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और अपने स्टूडियो के अंदर जो जो चीजें दोस्तों इस्तेमाल होती है वो सारे सारे यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मैंने खुद इन भाई के पास से यहाँ से ये ढोल लिया जैसे कि आप देख पा रहे हो। भाई मुझे तो बेस्ट रेट पे दिया ना ढोल ये। दोस्तों यहाँ पर आपको होलसेल और रिटेल दोनों के अंदर मिल जाएगा। जो लोग सिंगल पीस लेना चाहते हैं दिल्ली के अंदर ढूंढ रहे हैं यार कहाँ से हमें गिटार मिल जाएगा वायलिन मिल जाएगा ये कुछ इस तरीके के हारमोनियम मिल जाएंगे। और ये क्या चीज भाई इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर भी हारमोनियम है कुछ इस तरीके के तबले लोगों को चाहिए हो कहाँ से क्या चीज मिल जाएगी। तो दोस्तों सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और जो लोग घर बैठे मंगाना चाहते हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। मैंने शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है आप यहाँ पर आ सकते हो। शॉप इनकी पड़ेगी शादीपुर डिपो के अंदर शादीपुर मेन पटेल नगर रोड शादीपुर के अंदर पटेल नगर रोड जैसे आप आओगे। शॉपर का नाम भाई जी आपकी म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से बाहर आपको शॉप दिख जाएगी और यहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते देखना स्टार्ट करते सारी की सारी चीजें। लेकिन उन सबको दिखाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जाओ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है उन दोनों पर जाकर उंगली कर लो जिसका फायदा क्या होगा मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप मेरी उस वीडियो को भी मिस नहीं कर पाएंगे ऐसे प्यार देते रहेंगे। चलिए दोस्तों देखना स्टार्ट करते हैं। भैया सबसे पहले क्या चीज दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं आप? प्राइस बताना स्टार्ट करें जरा। ओके सबसे पहले गिटार हम देख लेते हैं। ये भैया गिटार किस रेंज के अंदर मिल जाता है आपके पास से? गिटार आपके शुरू हो जाते हैं अराउंड आपके 2500 से 2500 रुपए की रेंज से। दोस्तों इन भैया के यहाँ पर गिटार स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बात बहुत बढ़िया भाई गिर तो नहीं जाएगा? गिर गया तो पैसे ऐसे ले लेंगे भाई ऐसे। ओके भाई कितने 2500 रुपीस से आपके पास गिटार स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए तक जाते हैं? जरा भैया जरा दिखाओ जरा स्टार्टिंग से जो आपने बताया 1500 के अंदर कौन सा मिल जाता है? 1800 सॉरी ऐसा आता है। ये दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये इंडियन बेबी साइज है। ये किस रेंज के अंदर मिल जाता है आपके पास? ये दोस्तों मात्र 1600 रुपए की रेंज के अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये बेबी साइज है ना ये छोटा साइज होता है ये। ओके एंड ये भैया ये कलकत्ता मेड है। ये कलकत्ता मेड है ये ओके ये कलकत्ता से बन के आया है बिल्कुल ठीक है। क्या प्राइस रेंज होती है इसकी? 2000। ये दोस्तों 2000 रुपीस की रेंज के अंदर मिल जाएगा। ये मतलब काफी लाइट है ये है। ओके ये थोड़े बच्चों के पर्पज से इस्तेमाल होते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं जो लोग लर्निंग प्रोसेस से है कि भाई ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से यहाँ से 1500-1600 रुपए की रेंज के अंदर ले लेते। अच्छा भैया एक चीज बताओ थोड़ा बहुत नेगोशिएबल करते हो क्योंकि काफी सारे इंडिया के लोग हैं भाई कुछ भी लेने से पहले कि भाई कुछ पैसे 50-100 रुपए कम हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे। दोस्तों पैसे भी यहाँ पर आपके कम होने वाले हैं मतलब आपको उसकी टेंशन नहीं है भैया नेगोशिएबल कर देते हैं थोड़ा बहुत। ओके और भैया जैसे कि हम यारा गिटार देख पा रहे हैं ये काफी अच्छा लग रहा है ये किस रेंज में मिल जाता है आपके पास? हर गिटार पे आपको कुछ ऐसे आपके गिटार हैं कंपनीज के आपको 20% ऑफ मिल जाता है। अच्छा कुछ भैया बता रहे हैं ऐसे गिटार्स होते हैं जिनके ऊपर आपको थोड़े कॉस्टली होते हैं। किस रेंज के होते हैं ये? अराउंड आपके 3500-4000 से आपके शुरू हो जाते हैं। 3500 से स्टार्ट होते हैं इम्पोर्टेड गिटार जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं भाई यहाँ पे ये इनके पीछे कुछ बटन और ये कुछ लगाए हुए हैं इनके बारे में जरा कुछ बताओ उतार सकते हैं इनको? बिल्कुल। ओके ये दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक गिटार बोलते हैं इनको? बिल्कुल इसको बोलते हैं आपका सेमी एकॉस्टिक गिटार विद पिकअप एंड सेमी एकॉस्टिक गिटार क्या क्या पिकअप ये विद पिकअप एंड ट्यूनर आप एम्पलीफाई कर सकते हो एम्प के थ्रू। अच्छा जी तो दोस्तों इसके अंदर एक फायदा है इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने एम्पलीफायर से अपने स्पीकर से। ये ब्लूटूथ वाला है क्या कौन सा होता है कुछ सर आपका विद केबल आपका कनेक्ट होता है? ओके विद केबल कनेक्ट होता है और केबल कहाँ पे कनेक्ट होती है? नीचे यहाँ की तरफ। ओके दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप इसे अपने बॉक्स से स्टार्ट कर सकते मतलब कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पर आप इसे कनेक्ट करके म्यूजिक अगर आपको बड़े बहुत सारे लोगों के बीच में चलाना है तो दोस्तों वहाँ पे आप चला सकते हैं। बहुत बढ़िया और भी इसकी प्राइस रेंज क्या होगी? अराउंड आपका
7000 रुपए की रेंज के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा। लोग ऐसे टांग दीजिए, पुश कर लो यार एक सेकंड के लिए, पीछे बार बार खड़ा हुआ है, पुश कर लो, स्टॉप कर दो।